नाज़रीन, पानी की तरह बहते हुए नज़ला ज़ुकाम को फौरी तौर पर कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही आसान और असरदार नुस्खा आज की वीडियो में मौजूद है। नाक बहती हो, आँखों से पानी जारी हो, छींकें आती हों, पतले पानी की तरह रतूबात जारी हों और ऐसा नज़ला ज़ुकाम या खांसी जिसमें हाथ पांव ठंडे रहते हों, सर्दी ज़्यादा लगती हो, इसमें यह नुस्खा बहुत जल्द फ़ायदा करता है। इसके अलावा अगर पेशाब की ज़्यादती का मसला हो, पेशाब बार बार आता हो, मसाना की कमज़ोरी का सामना हो, तो ऐसी सूरत में भी इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है। ख़वातीन में लिकोरिया की बीमारी जिसमें सफ़ेद रंग की रतूबात रहम से खारिज होती हों, इसमें भी यह नुस्खा मुफीद साबित होता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके प्यार से हमारी हौसला अफजाई होती है। नाज़रीन, इस नुस्खे के लिए एक तो आपने दालचीनी लेनी है जो गर्म मसाले में डाली जाती है। देखकर अच्छी बढ़िया किस्म की खुशबूदार दालचीनी का इंतखाब करें। दालचीनी सर्दी की ज़्यादती और रतूबात की कसरत से पैदा होने वाले अमराज में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। ये आसाबी कमज़ोरी और पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, बलगम की ज़्यादती को कंट्रोल करने के लिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए और मैदा की कमज़ोरी या भूख की कमी से निजात दिलाने के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। दूसरी चीज़ आपने लौंग का इस्तेमाल करना है। लौंग भी बलगमी अमराज में बहुत फौरी असर नतज दिखलाता है। लौंग के अंदर पाया जाने वाला आयल आसाबी कमज़ोरी को दूर करके पट्ठों को मजबूती फराहम करता है, मैदा को तकवीत देता है, जायद रतूबात को फिल फौर जज्ब करता है। यही वजह है कि इसे ख़राब दांत में रखा जाए तो फौरन जायद रतूबात को जज्ब करके दर्द से निजात दिलाता है। चुनाचे इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आप 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 अदद ही लौंग ले लीजिए, लेकिन लौंग मुकम्मल होना चाहिए। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो लौंग की टोपी या सर कहलाता है वो भी साथ ही मौजूद होना चाहिए, वरना इससे आपको पूरा पूरा फ़ायदा नहीं हो सकेगा। तो इन दोनों चीज़ों को 1.5 कप पानी में डालकर चूल्हे पर रखें। जब पानी 1 कप रह जाए तो चूल्हे से उतार कर फिल्टर करें और 1 चम्मच शहद से मीठा करके नोश फरमाएं। पानी की तरह बहते हुए नज़ला ज़ुकाम और सर्दी की ज़्यादती को फौरी तौर पर कंट्रोल करता है। पेशाब बार बार आने की तकलीफ़ का बेहतरीन इलाज है। मसाना की कमज़ोरी और लिकोरिया के मर्ज से निजात दिलाता है। मोटापा और जिस्म की फालतू चर्बी को कम करने में मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।